गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे, होना भी चाहिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि 8:15 बज चुके हैं, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो सब एक एक दिन करके रुकते हैं क्योंकि लगातार सारे नहीं जा सकते हैं। तो आज मेरी बारी है, मैं सुबह जा रही हूँ। तो अभी 8:15 बज चुके हैं, मैंने चाय पी ली है, ब्रेड पीस एक ही खाया है, दिल नहीं कर रहा था। सुबह सुबह आदत नहीं है हम लोगों को खाने की, तो फिर भी चाय और ब्रेड ले लिया है ताकि कुछ ना कुछ शुगर की गोली खानी होती है तो ब्रेड पीस खा के मैंने पहले शुगर की गोली खा दी थी। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो आज चीना लेके जाएगी कोको को डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि कोको जो है वो सही से खाना नहीं खा रही है। तो मैंने चीना को बोला है कि चीना आज तो उसको डॉक्टर के पास लेके जा। तो अभी ये भी जाएंगे शायद दिखाने के लिए। तो मैंने इनको बोला है कि आप भी चले जाना सर, डॉक्टर से पूछ लेना कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो बाकी जो आज का ब्लॉग है वो बनाएगी चीना पीछे से, और मैं मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल से आने के बाद, क्योंकि मुझे आते वक्त रात को 9 बज जाएंगे। मिलती हूँ आपको रात को। तो थोड़ी लाइटनिंग कम है इस रूम की, लेकिन मैं पूछी को लेकर और कोको को लेकर दोनों को, मतलब कोको को तो चलो फीवर है, बट पूछी का मैं रूटीन चेकअप करवा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये भी बीच में छोड़ देती है कुछ। तो ऐसी रूटीन चेकअप के लिए मैं दोनों को लेकर जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, अपडेट करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेजेस करते, थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको आके अपडेट करती हूँ क्या है उसको। तो ये दोनों जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चले पकड़ तू, पूछेगा तो रूटीन चेकअप के लिए और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे डॉग्स आए हुए हैं। आप तो बर्थडे वाले दिन आ गए। मेरे बर्थडे वाले दिन दिखाए। वो देखो ना कैसे छुप जाती है। छुप रही है। इधर आ, पूछी चल। वो देखो छुप रही है। छुप रही है। आप पूछिए, आजा आजा। नहीं आएगी। अब देखते हैं। इसका तो बहुत डर था, कुछ भी नहीं है। पूछिए कितना डरते हो, आपका हो गया, आपका तो कुछ भी नहीं था। चले हो गई आपकी कटिंग, हो गई? हाँ, चल 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 चलते हैं। इसकी तो चलो हो गई। हाँ, चल रहे चल रहे। इसकी हो रही है। इसका फाइनल है मैम। ये लग परफ्यूम सीरम लगाना है इसे? हाँ हाँ भैया लगा दो। और डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगा रहा है इनको। हाँ, इनको डीवॉर्म लगा दिया, डीवॉर्मिंग का। ये वाला सीन इतना अच्छा लगता है मुझे इस मूवी का। ये अपना नाम बता रहा है। हाँ। अब फिर एक नाम प्रशांत हो गया। चलो सही है ना, हमने कोको पूछे की वो करा दी। इंजेक्शन लग गया, सारा कुछ लग गया। और ये ना एक फाउंडेशन भी है, देखो मैं आपको इस जगह की लोकेशन भेजूंगी। तो ये जो डॉक्टर है वो स्ट्रीट डॉग्स को भी देखते हैं, अगर कोई स्ट्रीट डॉग हो या कुछ हो तो आप यहाँ पे ला सकते हो उसको। ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गोल चक्कर के पास है, दीपिका करके वो डॉक्टर है, बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर है। मतलब अभी भी स्ट्रीट डॉग्स बैठे हुए हैं, इनका किडनी नहीं चल रही शायद, तो आप कभी भी ला सकते हैं। अभी कोको पूछी को मैंने इसलिए जीरो करवाया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और अभी टिक्स का, जैसे आप भी, आपको पता अगर आप पूछी देखना जैसे टिक का मौसम है तो टिक्स हो जाएंगे अभी, तो इससे बेटर उनको गंजा ही करवा दिया। चलो आओ, आ पूछिए, आ जाओ, चलो चलो चलो। हेलो। मैंने तेरे ऊपर से आवाज सुनी थी, मैंने कहा पहले ही कैमरा ऑन कर लेती हूँ। आपको लग रहा था मैं आ रहा हूँ क्या? आपको लग रहा था मैं आ रहा हूँ? ये पापा के लिए लाया है काकू, पापा का बर्थडे था। आपको पहले से ही पता लग गया कि मैंने सुना। तेरे ठक 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 की आवाजें आ गई। ओ हो हो, पापा की फेवरेट डेरी मिल्क, आपकी फेवरेट लाया हुआ है जीरा वाली ड्रिंक। देख, देख, पर हमने तो केक काटा ही नहीं। ये देख, कोई बात नहीं, पर देना पड़ता है ना बर्थडे पे, देना पड़ता है। अच्छा, कह रहा है केक काटो चाहे ना काटो, आपकी मर्जी है, मगर गिफ्ट तो देना बनता है। है ना भाई? बड़ा समझदार हो गया काकू, बहुत समझदार हो गया काकू। स्कूल गया होगा तू? हाँ, इसका फर्स्ट डे था स्कूल का। हाँ, वो छुट्टियां के बाद है ना। तूने इनको देखा आज? अच्छा रहा। तूने इनको देखा? हाँ, देखा था अभी। देखा, इनको गंजा करा दिया, गर्मी है ना बहुत ज्यादा। देख, काकू तो पहचान नहीं आ रही। नहीं आ रही? कोकी बंदरी बनी हुई है।
चल तक कल कल तेरे को वैक्सीन खिला देंगे, ठीक है? ठीक है। अभी लाऊं कुछ खाएगा? मोमोज खाएगा? मोमोज चटनी, रेड चटनी। वैसे मैं रसगुल्ले लेके आई हूँ। मैं कहा चलो किसी का मुंह मीठा मुंह कराऊ ना, पहले साईं बाबा जी को तो कम से कम जन्मदिन है उनका तो मुंह मीठा कराऊ, इसलिए लेके आई हूँ। अभी मैं तुझे रसगुल्ले से मुंह मीठा करा, ठीक है? कोको को सारा गंजा करवा दिया है और मुझे लगता है डर गई है कि मेरे बाल का है। और ये देखो कैसे डर के हमारे बैठी हुई है। इसने क्या करा है, सैटी है, सैटी पे कंबल पड़ा था, चीना ने कंबल रख दिया और ये जाके सैटी पे सो गई है। देखो कोको इसको बिल्कुल गंजा करा दिया है और पूछी को भी गंजा करा दिया। देखो ये क्या कर रही है, पूछी को और कोको को दोनों को गंजा करा दिया है कि चलो गर्मी है अपनी इनकी, फिर धीरे धीरे महीने के अंदर इनके, वैसे भी शिजू के जल्दी बाल आ जाते हैं, महीने के अंदर इसके बाल आ जाएंगे। पूछी तो बिल्कुल लोमड़ी लगती है, जैसे लोमड़ी नहीं होती। ये देखो कैसे इसको गर्मी है ना, गर्मी की वजह से कैसे इनको खुजली सी लगती है इनको। अभी इनको कल मैंने सारा टिक स्प्रे वगैरह करवाया है, सब कुछ कराया है और डीवॉर्मिंग का इन दोनों को इंजेक्शन भी लगा है, क्योंकि जब ये क्योंकि ये गोली नहीं खाते। मैंने डॉक्टर कहते हैं डीवॉर्मिंग की इनको गोली दे दो, जब भी मैं खाने में इनको गोली देती हूँ तो ये खाना छोड़ देते हैं, तो इसलिए इनको इंजेक्शन लगवा दिया मैंने, इसको भी और इस लोमड़ी को भी। जब मैं सुबह हॉस्पिटल में जा रही थी तो मेट्रो में बैठी हुई थी तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो वो आके बेचारी खड़ी हो गई, तो मैं बैठी थी और 5-6 जेंट्स बैठे थे सीट के ऊपर। उस प्रेग्नेंट लेडी को देख के कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ, पता चल रहा था बेचारी बड़ी परेशानी से खड़ी है। तो मैंने उस लड़की को बोला कि भाई आप बैठ जाओ, तो कहती नहीं आंटी जी आप बैठ जाओ। मैं कोई बात नहीं, मेरा स्टैंड आने वाला है, तो स्टॉप बाद मेरा स्टैंड आ जाएगा, तो आप बैठ जाओ। तो मैंने उस लड़की को बिठा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेट्रो में सबको बैठने की पड़ी रहती है कि हम बैठे रहें, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे मैं भी हूँ, सबको होता है कि हम बैठ जाएं। शरीरों में आजकल खड़े होने की किसी की जान नहीं बची, मगर उस प्रेग्नेंट लेडी को देख के भी आजकल कोई इंसानियत है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को उतरना था करोल बाग के स्टैंड पे, करोल बाग से गंगाराम पास पड़ता है, तो मेरे को उतरना था करोल बाग। तो मैंने क्या करा, ऐसी सोचती सोचती मैं एक स्टॉप पहले ही उतर गई, मैं रजिंद्रा प्लेस के स्टॉप पे उतर गई। वहां उतरी तो जब मैं नीचे उतर गई कुछ, मैं कहा ये तो मैं गलत आ गई। फिर दोबारा मैं मेट्रो पे चढ़ी, दोबारा से अगले स्टेशन पे फिर जाके उतरी। मतलब यही सोच रही थी कि लोग खड़े क्यों नहीं होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी। इसके चक्कर में मैं गर्ल स्टॉप पे उतर गई। आप बताना गाइस कमेंट करके कि अगर कोई लेडीज ऐसे खड़ी हो जो प्रॉब्लम में हो तो क्या सीट देनी चाहिए ना सबको, मगर आजकल लोगों की मर्जी। मैं जब कल हॉस्पिटल थी, चीना और चीना के पापा कोको पूछी को हॉस्पिटल लेके गए थे क्योंकि इनकी कटिंग करानी थी, फुल कटिंग करवाई है कि भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोको भी बड़े दिन से रोटी नहीं खा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि खा लेगी रोटी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई ऐसी बात नहीं, इसको कोई फीवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारा फर्ज था उसको चेकअप कराना। तो मैंने दोनों को बिल्कुल गंजा करा दिया, एक भी बाल नहीं रखा। उसके बाद ये घर में आए, घर में आके जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मैंने देखा दोनों खुजली कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे थे। तो मैंने सोचा शायद बाल उतरे हैं इसलिए कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को नाखून मार मार के सारे रैशेज कर लिए। तो रैशेज करते करते इनकी स्किन सारी लाल हो गई। फिर मैं फटाफट डॉक्टर के पास दोबारा गई, तो उसने कहा कि भाई ये लोशन ले लो, एक लोशन दिया लगाने को, तो वो कहने लग पड़े कि खाने की दवाई ले लो आप। मैं कहा खाने में दवाई नहीं खाते हैं ये लोग, अगर खाने में मैं इनको दवाई दूंगी तो ये लोग वॉमिट कर देते हैं या रोटी छोड़ देते हैं, तो आप ऐसे करो आप इंजेक्शन लगा दो। तो कोको को पूछी को दोनों को दो दो इंजेक्शन लगे, एक एविल के लगा और एक एलर्जी का लगा है, दोनों को दो दो इंजेक्शन लगा है। उन्होंने बोला है कि 3 दिन तक लगातार आपने इंजेक्शन लगवाने हैं। अब ये इंजेक्शन 3 दिन तक लगातार इनको लगेंगे। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया स्किन पे इतनी गर्मी करके, बस ये काम अब इनका बढ़ ही गया, गंजा क्या करवाया इनको, तो बस इंजेक्शन ठोक रहे हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम आके इनके साथ खड़ी हो सकती है, बेचारे बोल सकते नहीं है, मगर हमें देखना पड़ता है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। आज इनका जन्मदिन है, 4 तारीख है और 4 जुलाई को हमारे इंस्टाग्राम के 50,000 फॉलोवर्स हो गए हैं और साथ में यूट्यूब पे भी हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं।
थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग क्या थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं है आपके बिना। आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है और आप ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं अच्छी अच्छी आपको इंस्टाग्राम पर रील्स दे सकूँ और यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे सकूँ। अब मैंने एक नया चैनल शुरू किया था ललिता की रसोई, मेरा भाई बीमार था तो मैं उस चैनल को चला नहीं पाई, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस, मैं रोज तो नहीं दे पाऊंगी, हफ्ते में 3 वीडियोस आपको खाने की जरूर दूं और वो भी आपको पसंद आएगी। इसी तरह आप मुझे, हमें, हमारी फैमिली को प्यार देते रहें। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम, जो हमारी इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमारे चैनल को फॉलो करें, तरुण बसरा 9 के नाम से हमारी आईडी। और जब तक के लिए आप हम जब हम आप कल हम आपको मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।